हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी दांतों में दर्द होता है? आपके दांत भी पीले पड़ने लगते हैं? आपके दांतों में दर्द होता है, दांतों में से बदबू आती है या दांतों में सड़न कीड़ों की प्रॉब्लम है? तो आज का ये नुस्खा खास आपके लिए ही है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आपके दांतों में से सारी प्रॉब्लम को केवल 4 से 5 दिन के अंदर ही दूर कर देगा और दांतों को वाइट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके दांत वाइट, स्ट्रॉन्ग, क्लीन नहीं होंगे तो आपकी सुंदरता भी अच्छे से नहीं दिखेगी, इसलिए दांतों का भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इस रेमेडी को आप यूज जरूर करके देखिएगा, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और यहाँ पे जो हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे दांतों में से पीलेपन को दूर करती है, सड़न को दूर करती है, साथ ही हमारे मुंह में से ये बदबू को भी दूर करने में बहुत हेल्प करती है और ये दांतों को स्ट्रांग बनाती है, वाइट भी बनाती है। इसलिए मैं यहाँ पे कॉफ़ी का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड करनी है। हम यहाँ पे इसको 5 दिन के हिसाब से बना रहे हैं। 1 चम्मच आप यहाँ पे कॉफ़ी ले लीजिए। दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे लहसुन, यानी कि गार्लिक। आपको यहाँ पे 2 लहसुन की कली लेनी है। हम यहाँ पे इसको कद्दूकस करके ऐड कर देंगे। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। 1 चम्मच हम यहाँ पे नींबू का रस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, नींबू का रस हमारे दांतों में से कालेपन को दूर करता है, दांतों में से कीड़ों की प्रॉब्लम को दूर करता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे टूथपेस्ट, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कोलगेट यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच के बराबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर आप 5 दिन के हिसाब से अपने यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। इस तरह से आपको इसे बनाकर रेडी करना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है अपने दांतों में। आपको इसे दिन में और रात में दोनों टाइम यूज करना है, 5 दिन तक लगातार। बस आपको इसे लेना है और अपने दांतों पे इस तरीके से अप्लाई करना है, ब्रश की सहायता से आपको इसे यूज करना है। ऊपर नीचे आप अच्छे से अपने दांतों पे इसको ब्रश कीजिए, कम से कम आपको 5 मिनट तक ये करना है। हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है, अगर आप गार गार के करेंगे तो आपके दांतों में से खून भी आ सकता है, इसलिए आप हल्के हल्के कीजिए। 5 मिनट तक लगातार आपको ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद जब आप कुल्ले करेंगे आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे और केवल 5 दिन के इस्तेमाल से ही दांतों में से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही बना सकते हैं बहुत आसानी से और ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को देगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है आपके दांतों के लिए। आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ये यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है आपके दांतों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप ये आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।